अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो देखिए आज हम बात करेंगे अल्फांसो मैंगो के बारे में। क्या अल्फांसो मैंगो अपना छत पे गार्डन में लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए अल्फांसो काफ़ी अच्छा वेराइटी होता है और ये वेराइटी सबसे बेस्ट आपको रत्नागिरी और दूसरा जो देवगढ़ होता है यही दो जगह में अल्फांसो ज़्यादा करके उगाया जाता है। और इसी जगह पे देखें तो सबसे ज़्यादा इसका जो टेस्ट होता है वहीं पे वहीं के क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसके साथ देखें तो गुजरात का जो वलसाड़ है वहाँ पे भी होता है, ये भी देखें तो महाराष्ट्र के ही बाजू में पड़ता है, इसलिए देखेंगे तो वहाँ का भी आम एकदम सेम टू सेम टेस्ट में मिला जाता है। तो क्या है आम देखा जाए तो इंडिया का हर जगह इसको उगाया जा सकता है और इसको उगा के हम इसमें अच्छा फ्रूटिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो देखिए अल्फांसो मैंगो तो देखा जाता है आपको इंडिया में किधर भी इसको उगा सकते, उगाने में कुछ नहीं जाता है, मगर ऐसा माना जाता है कि हर जगह इसका जो टेस्ट होता है उसका बदलाव होता है और थोड़ा थोड़ा खट्टापन पे आता है अगर बाकी जगह इसको उगाते हैं तो। अभी देखा जाए सुनने में ये भी आया कि बिहार में भी इसका खेती अल्फांसो मैंगो को किया जा रहा है, पर क्या इसका टेस्ट में भी डिफरेंट होता है बाकी जगह पे भी? तो देखिए अल्फांसो जो है वो बाकी जगह ऐसा माना जाता है कि बाकी जगह इसको उगाने से उसका टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट आता है, इसीलिए देखें तो अल्फांसो सिर्फ महाराष्ट्र में इसका खेती किया जाता है ज़्यादातर पे और बाकी जगह इसका खेती काफ़ी कम होता है क्योंकि इसका टेस्ट में सुना है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिसके कारण देखेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी ख़राब होता है और क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं बन पाता जितना आप देखेंगे तो रत्नागिरी अल्फांसो और देवगढ़ दोनों जगह पे जितना अच्छा उगाया जाता है जितना अच्छा उसका फ्रूट का क्वालिटी और टेस्ट बनता है उतना बाकी जगह बोलते नहीं बनता है। फिर भी देखा जाए तो काफ़ी बेस्ट वेराइटी है और गमले में इसको लगा के अच्छा फ्रूटिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि अल्फांसो में नहीं ले सकते। और इसमें यही है कि एक साल कम होता है फ्रूटिंग, एक साल बहुत ज़्यादा हैवी फ्रूटिंग होता है, एक साल बहुत ही कम फ्रूटिंग होता है, पर आपको देखा जाए तो काफ़ी महंगा आम है माना जाता है। अल्फांसो काफ़ी टेस्टी होता है और दुनिया का सबसे अच्छा आम है, तो आप चाहिए तो इसको छत पे या गार्डन में जरूर लगाए, देखिए टेस्ट में बदलाव होता है या अच्छा टेस्ट आता है। क्योंकि देखा जाए तो अभी के डेट में भी सबसे महंगा आम आता है, जो एक आम की कीमत देखा जाए 200 से 250 300 रुपये पर पीस के हिसाब से बिकता है, तो काफ़ी अच्छा वेराइटी बहुत जगह तो ऐसा सुना कि अल्फांसो जो महंगा है वो 5-5 हज़ार का दर्जन में भी बिका हुआ है। तो आप चाहिए तो इसको भी अपने छत के गार्डन में एक बार लगा के देखिए फ्रूटिंग होता है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो लग रहा है इसमें अच्छा फ्रूटिंग होगा, पर टेस्ट में हो सकता है बदलाव हो सकता है, पर क्या जाता है आपको देखा जाए तो अल्फांसो का प्लांट काफ़ी सस्ता मिल भी जाएगा, 100-150-200 में आपका मिल जाता है। महाराष्ट्र का हर नर्सरी में आपका ओरिजिनल प्लांट आपको अल्फांसो में मिल जाएगा, तो कोशिश कीजिए अल्फांसो का ओरिजिनल प्लांट अपने छत पे गार्डन पे लगाने के लिए, क्योंकि अल्फांसो में अभी भी देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नामों से चेंज कर करके बेच रहे हैं, मगर अल्फांसो का एक ही वेराइटी होता है। मैं आपको बोल दूँ जो अल्फांसो है वो एक ही वेराइटी का है और इसको देवघर रत्नागिरी सब जगह उगाया जाता है, इसलिए बाकी जगह देखेंगे तो सब अलग अलग नाम से इसको बेचा जाता है, मगर एक ही अल्फांसो है। तो ओरिजिनल अल्फांसो आपको चाहिए तो महाराष्ट्र का हर नर्सरी में मिल जाएगा, आपको चाहिए तो कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन में उनको ट्राई करके मंगवा सकते, काफ़ी अच्छा वेराइटी हो सकता है। छत के गार्डन में एक बार अल्फांसो लगा के देखिए, हो जस्ट हो सकता है आपके गाँव आपके इधर आपके एरिया में अच्छा क्लाइमेट होने के कारण आपका जो वेराइटी उसमें अच्छा टेस्ट भी मिल जाए और अच्छा फ्रूटिंग भी हो, या कोई गारंटी नहीं है कि नहीं हो पाएगा। ट्राई करने में क्या जाता है आप ट्राई कीजिए या छत पे कंटेनर में इसको लगा के भी ट्राई कीजिए, कुछ उतना जाता नहीं है जितना सारा देखेंगे तो गार्डनर लोग जो होता है हर साल एक उम्मीद लगा के रखता है, बहुत सारा आम में ऐसा फ्रूटिंग नहीं हो पाता, एक बार ये भी ट्राई करके देखिए यार, 500 काफ़ी अच्छा वेराइटी, काफ़ी टेस्टी वेराइटी और दुनिया का सबसे बेस्ट वेराइटी में से भी आता है और सबसे महंगा भी वेराइटी है। तो छत पे गार्डन में एक बार लगा के देखिए, अच्छा फ्रूटिंग और अच्छा टेस्टी होगा तो काफ़ी अच्छा है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो एक बार आप ट्राई करके देखिए अपने गार्डन में या बगीचे में या गमले में छत पे कंटेनर में अगर आपका हो जाए अच्छा फ्रूटिंग तो काफ़ी बेस्ट है। तो आप चाहिए तो अल्फांसो आप मंगा सकते हैं, महाराष्ट्र का हर नर्सरी में आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा वेराइटी है और छत पे गार्डन में एक बार लगा के देखिए। मैं भी सोच रहा हूँ अल्फांसो मैंगो लगाने के लिए अपने छत पे और देखिए काफ़ी बेस्ट वेराइटी है और काफ़ी टेस्ट और काफ़ी सुगंधित वेराइटी होता है, तो लगाने में कुछ नहीं होता, एक बार आप ट्राई करके देखिए लगा के देखिए, मगर वहाँ ओरिजिनल ही अल्फांसो का वेराइटी लीजिए। अल्फांसो में हर नाम से आता है वो गलत होता है क्योंकि एक ही वेराइटी है, तो आप ट्राई कीजिए कि ओरिजिनल अल्फांसो का प्लांट हमें मिले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी ऐसा ही आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। बाय बाय।